हेलो गाइस, आज मैं फिर आपको जेके वॉल पुट्टी का एक न्यू डिज़ाइन लेकर आया हूँ फिर से। उस डिज़ाइन का नाम है पंच क्रैंकल। वो हमारा डिज़ाइन जो निकला है वो सिर्फ हमारा हाथ के पंजे से निकला है और उसका नाम है पंच क्रैंकल, जो कि हम रॉयल प्ले में क्रैंकल निकालते हैं। तो वो हमने इसमें निकाल कर दिखाया क्रिंकल कैसे बनता है, मतलब पुट्टी में, जेके बाल पुट्टी में। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 9-9 इंच का या 8 इंच का टेप के निशान लगाने हैं और उसके बाद टैपिंग 8-8 इंच पे फिट करनी है, 8 या 9 इंच पे। तो मैंने दोस्तों ये 9 इंच पे फिट करी थी, 9 इंच के सर्कल बना हुए हैं, देख रहे हो। और पुट्टी जो बनानी है आपने वो अच्छी तरह से घोट के पुट्टी बनानी है, उसके अंदर रोड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो जगह जगह से अच्छा नहीं लगेगा देखने में। जैसे कि मैंने बनाई है, इसमें कभी रोड़ी नहीं है, बहुत चिकनी पुट्टी बना के तब हमने इसको डिजाइन निकाला है, और रोड़ी नहीं होनी चाहिए। और आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी मोटी पुट्टी हम लगा रहे हैं, इसमें तो मोटी ही पुट्टी लगती है। और एक और बात गाइस, जब भी आप काम करोगे तो एक चीज़ का ध्यान देना है आपने कि हमारी पुट्टी कम बर्ती ना लगे, एक सार लगनी चाहिए। अगर आप कम बर्ती लगेगी आपकी तो आपका डिजाइन एक सार नहीं निकल सकता और डिजाइन में आपकी कमी आ जाएगी और फिर बाद में आपको अच्छा नहीं लगेगा। आज ये मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो ये हम, मैं बिना टॉप कोट के डाल रहा हूँ, सिर्फ बेस कोट लगा हुआ है इसमें। बेस कोट सिर्फ हमारा नीचे बेस कोट लगा हुआ है और ऊपर से जो हमने पुट्टी के ऊपर बेस कोट देना चाहिए था वो हमने पुट्टी में ऑलरेडी कलर डाल दिया है इसमें। तो वो आप देख रहे हो कलर किस तरह का है, स्काई ब्लू कलर है हमारा। एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ मैं, इस तरह से हाथ चलाना है, जैसे ये हाथ चल रहा है तो आपका क्रिंकल बहुत अच्छा निकलेगा। एक बराबर नहीं चलाना है, इस तरह से ही चलाना है जिस तरह से हाथ चल रहा है। दूसरी बात, अगर आप पट्टियों वाला ग्रुप देना चाहते हो, टैप हो, जैसे कि नीचे मैंने बेस कोट लगाया ऊपर से पट्टियाँ टैपिंग कर दी, तो मुझे सिर्फ नीचे का कलर दिखना चाहिए, तो आप पुट्टी के अंदर कलर डाल सकते हो। और अगर आपने नीचे बेस कोट नहीं लगाया है, सिंपल टैप लगाई है और प्राइमर के ऊपर टैप लगाई है, तो पुट्टी के अंदर कलर डालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। दोबारा फिर सुन लीजिए, अगर आप पुट्टी के अंदर कलर डालते हो तो नीचे बेस लगाना ज़रूरी है। अगर पुट्टी के अंदर कलर नहीं डालते हो आप तो नीचे बेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आपको मैं गाइस बता रहा हूँ, दोबारा से फिर सुन लीजिए, पुट्टी में कलर डालते हो तो नीचे कलर लगाने की ज़रूरत है, पुट्टी में नहीं डालते हो कलर तो नीचे भी नहीं लगाने की ज़रूरत है बेस कोट की हमारी। आपको 2-3 दिन बार बार ने बता दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। और देखो हमारा डिज़ाइन किस तरह का निकल रहा है, बहुत ही आसान है निकालना, सिर्फ आपने टैपिंग लगानी है बढ़िया से और हाथ का पंच जो ये इस्तेमाल करना जिससे कोई कमी दिखाई ना दे, तो आपका डिज़ाइन बहुत शानदार निकल के आएगा, दीवार आपकी बहुत खूबसूरत दिखेगी। मैंने अंदर का बेस तो गिरे दिया था इसमें और बाहर का बेस स्काई ब्लू है। अब इसमें मेरा सिर्फ एक ही काम रह गया है, टॉप कोट मारना। टॉप कोट मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगा कि किस तरह से इसका पॉट टॉप कोट लगता है और किस तरह से इसकी फिनिशिंग आती है। ये हमारा बनके तैयार हो गया है, बहुत अच्छा डिज़ाइन है। और आपने देखा होगा क्रिंकल रॉयल प्ले का, और आज मैं आपको पुट्टी में दिखाने जा रहा हूँ पंच क्रिंकल। इसका नाम है पंच क्रिंकल।
तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। हमारा ये बनके तैयार हो गया, और जो हमारे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारे दोस्त ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मेरे प्यारे भाई दोस्त जितने भी मेरे बताने से सीख गए हैं और जो सीखते हैं और जो बनाते हैं, तो मेरे नंबर पे जो भी डिजाइन बनाएंगे तो उसका फ़ोटो ज़रूर भेजें, और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे बताने से कितने लोग सीखते हैं और कितने लोग सीख गए हैं। वैसे तो 7000 बंदे करीब सीख चुके हैं, तो आपसे भी कहता हूँ कि आप भी सीखो, जो हमारे नए बंदे हैं वीडियो हमारी देखो और बातें हमारी जो हम समझाते हैं आपको वो सुनो समझो, और अच्छी तरह से बनाओ डिजाइन, आप अपनी लाइफ में आगे जाओ। और दोस्तों जो हमारे बंदे नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लें, कैसा लगा वो हमें कमेंट में बताएं, और लाइक ज़रूर करना।